चलिए आज हमारी रेसिपी का नाम है प्याजा पंकिन। और आप सोच रहे होंगे प्याजा पंकिन। हाँ जी, प्याजा पंकिन बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसको हम गैस ऑन कर देंगे। जैसे ही हमने गैस ऑन किया, ये हम जैसे गर्म हो जाएगी, हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। तो ये हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, प्याज, टमाटर, ये कुछ स्पाइसेस जिसमें 5 तरीके की चीज़ें हैं, जीरा, सौंफ, लौंग, राई एंड आपका मेथी और कलौंजी। ये है खड़ी लाल मिर्च, ये है कसूरी मेथी, ये है टोमेटो सॉस एंड ऑयल जो अभी आपने देखा मैंने डाल दिया। ये है हमारा कद्दू जिसे हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है और इसे हम मैश करने जा रहे हैं। तो जब तक ये हमारा तेल गर्म होता है हम इसे मैश कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद अब आप देखेंगे कि पूरा मैश हो चुका है। उसके बाद हम लेंगे चाकू प्याज है ना, इसको हमें ऐसे लेना है, ऐसे हाफ करना है, उसके बाद इसको ऐसे हाफ कर देना है और ऐसे हाफ कर देना है। अब इसके एक एक लेयर को हम वन बाय वन निकाल देंगे इस तरीके से। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हमारी ये लेयर निकल जाएगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल क्या होता है कि जब तक वो गर्म नहीं होगा और कच्चे अगर हम तेल में डाल देंगे तो उसको कुछ कच्चापन हमारे मुंह में ज़रूर आएगा, तो हमें वो नहीं लेना है। कई लोगों को क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत पसंद होता है और ज़्यादातर सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में ही बनानी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम इस तरीके से इसको एक एक लेयर इसकी निकाल लेंगे, देखिए, और इसको हमें बड़े ही उसमें काटना है। ये इस तरीके से एक एक लेयर हम निकालते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल रही हो, कितना मजा आता है। वाव, कुकिंग एक ऐसी चीज होती है कि उसका एक अलग ही अंदाज होता है और खाना जितना बढ़िया बनेगा उतना ही कुकिंग करने में मज़ा भी आती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं एक एक करके मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये एक लास्ट है हमारा, इसे भी हम ओपन कर देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें इसको डाल देंगे। सबसे पहले हम अपने ही मसाले डालेंगे। देन खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा दूर हो जाइए क्योंकि कुकिंग में ऑब्वियस सी बात है छिट्टे एंड ये सब चीज़ें तो पड़नी ही। देन हमने ये प्याज डाल दिया और इसे सॉटे कर लिया। जब तक ये सॉटे हो रहा है हम टमाटर भी इसी तरीके से 4 हिस्सों में काट लें। आप ऐसे करके बड़ी बड़ी 6 लेयरें निकाल सकते हैं। राइट, ये हमने कर दिया। ये पंपकिन आप जब बनाएंगे जिस तरीके का कद्दू, तो जो बच्चे कहते हैं मम्मी आई डोंट लाइक कद्दू, तो वो भी खाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कद्दू है। तो ये कद्दू को हमने मैश कर दिया है ना, तो वो पता ही नहीं चलेगा, हमने उसका छिलका पूरा उतार दिया है ना? अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने टमाटर को भी इसमें डाल दिया है और ये टमाटर अपने आप ही गल जाएंगे। अब हम अपनी ये
सॉस है, 2 टेबल स्पून ऑफ सॉस। हम इसको भी डाल देते हैं। सॉस हमने इसलिए डाली है कुछ खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए। हम लोग कई तरीके से कद्दू बनाते हैं, लेकिन इस तरीके का कद्दू आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जो भी खाएगा वो पहली बार बता ही नहीं पाएगा कि कद्दू है। हर आदमी सोचेगा कहीं ये बैंगन का भरता तो नहीं है, लेकिन नहीं, जब आप इसको खुद से बताएंगे कि नहीं नहीं ये बैंगन का भरता नहीं है तो कद्दू है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालेगा, वैसे सॉल्ट ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने टोमेटो सॉस डाली हुई है, प्लस कद्दू हमेशा पिचक जाता है इस तरीके में। तो थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी खटाई डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर ऑलरेडी डाल रखा है, धनिया पाउडर एंड देन लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि आपको इसे चटपटा बनाना है, तो ज़्यादा चटपटा भी नहीं कि बच्चे ना खा पाए। हमें सबको ध्यान रखते हुए इस चीज़ को करना है। अब हम इसको मिला लेंगे। आप देखें टमाटर पक गए हैं, गल गए हैं और बन गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, टमाटर प्याज सब कुछ मिल गया है। अब हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी हम मिला देंगे। इसको सिर्फ 5 मिनट तक हमें भूनना है और ये रेडी हो जाएगा। हमें फ्राई करना है यानी कि भूनना है अच्छे से, देन उसके बाद हम अपनी प्लेटिंग कर देंगे। प्लेटिंग के लिए हम एक सुंदर सी प्लेट लेते हैं, आप इसमें प्लेटिंग करके दिखा सकते हैं। कोई भी चीज बनाइए जब तक उसकी प्लेटिंग ना हो खाने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, क्योंकि खाने के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रेजेंटेशन करना कैसे है। अगर आपके पास मिंट लीफ है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरीके से इसको डालेंगे और जो बड़ा वाला प्याज है जैसे ये तो निकाल दिया था, एंड इसी में हम थोड़ा सा इसको लेंगे और इसको इस तरीके से इसके बगल में खड़ा कर देंगे, ठीक है। और एक टमाटर का फ्लेवर भी हम दिखा सकते हैं कि हमने इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले हुए हैं। और आप देख सकते हैं आपका प्याज़ा पम्पकिन रेडी है।